हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम काफ़ी दिन के बाद व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि बीच में बिजी हो गए थे तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। और अभी यहाँ बज रहे हैं शाम के 3। टेम्परेचर अगर मैं बताऊँ कि 7 डिग्री है आज, तो आज उतना ठंड नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं आज। और ठीक है, मतलब आज टेम्परेचर प्लस में है तो उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और जब माइनस में होता है तब ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलो अभी चलते हैं। अभी हम रास्ते में हैं और मिशी जा रही है आगे स्ट्रॉलर में बैठ के, और दिखाते हैं आपको। मिशी के लिए भी हमने कुछ शॉपिंग करनी है, तो साथ में हम शॉपिंग भी कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, तो ऐसी वॉकिंग करते करते जा रहे हैं, और यहाँ पर बारिश भी आई है। तो 3-4 दिन से यहाँ बारिश है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, तो रोड्स आपको नज़र आएंगी गीली गीली थोड़ी। आजकल यहाँ पे 4 बजे तक ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता है। ये जो आपको एरिया दिख रहा होगा ना, इसके अंदर काफ़ी सारे क्रिसमस ट्रीज हैं, तो लोग यहाँ से खरीदते हैं और अपने घरों में लेकर जाते हैं। मिशी एज यूजुअल सो चुकी है, कह रही थी नहीं सोऊंगी, लेकिन पहुँचने से पहले ही सो गई। इसको स्ट्रॉलर में मस्त नींद आती है, घर में तो ये सोती नहीं है, स्ट्रॉलर में नींद आ जाती है इसको। चलो अभी से वहाँ पहुँच के उठा देंगे हम, अभी अपने आप सोती है थोड़ी देर। बस अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं पहुंच करके। वैसे जिस जगह हम आए हैं ना, उसका नाम है यूरोपा सेंटर। तो यहाँ पे जो आपको कार दिख रही है ना, ये स्मार्ट कार है यहाँ की, 2 सीटर, और काफ़ी जल्दी जो है टाटा भी इसी की तरह एक निकालने वाला है, जो टाटा नैनो वर्जन 2 आ रहा है ना। अभी मिशी को ना हमने ज़बरदस्ती उठा दिया है, क्योंकि जब हम घर जाते हैं और ये सोई रहती है स्ट्रॉलर में, फिर ये घर जाते ही उठ जाती है, तो ये पता क्या बोलती है, क्या बोलती है, तुम लोग चल क्यों नहीं रहे हो, रोना स्टार्ट कर देती है, मुझे क्रिसमस मार्केट जाना है। और अभी जो है उठने को ही रेडी नहीं थी, बहुत मुश्किल से उसे उठाया है, और इसलिए इसे पैदल चला रहे हैं ताकि इसकी नींद भाग जाए, है ना मिशी। तो चलो चलते हैं। तो जो ये मार्केट है, ये ठीक लगी है बगल में केसर विल्हेम चर्च की। वर्ल्ड वॉर में ये काफ़ी ज़्यादा इसको डैमेज पहुँचा था, तो इसका एक ब्लॉग भी हमने बनाया, उसको जरूर देखो इसकी हिस्ट्री जानने के लिए। तो अभी जो मार्केट वाले एरिया में हम अंदर आए उस स्ट्रीट में, इस साइड पर है मार्केट और इस साइड है केसर विल्हेम चर्च, और उसके ठीक सामने देखो मेरे पीछे जो है बहुत बड़ा एक क्रिसमस ट्री है। तो यहाँ पे मिशी कैसा लगा आपको ये क्रिसमस ट्री? मज़ा आया, बढ़िया लगा। और मिशी ने यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज भी क्लिक करा ली है, जस्ट चीज़ बोल बोल के, है ना। कैसे बोला आपने, कैसे बोला? से चीज़। आई होप कि आपको ये क्रिसमस मार्केट हमारे साथ घूमने में मज़ा आ रहा है, और हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ यहाँ बर्लिन घूमना, ज़रूर हमें बताएं। अभी हम पहुँच गए हैं स्टोर के अंदर, तो किड्स वाले सेक्शन में आ गए हम। अभी मिशी के लिए यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो मिशी के लिए बूट्स लेने हैं, तब हम आ गए हैं बूट वाले सेक्शन में, तो अभी देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा आज का जो भी काम था मार्केट में और स्टोर में, वो सब हो गया है, तो अब हम घर की ओर जा रहे हैं, और बीच में शूट नहीं कर पाए। तो आई होप आपको इस मिनी ब्लॉग में मज़ा आया होगा, और अब चलते हैं घर की ओर और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। बाय, मैरी क्रिसमस।